नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप सभी का स्वागत है रिपोर्ट्स इंडिया की खास पेशकश में। मैं इस वक्त मौजूद हूं नरसिंह स्टेडियम में और मेरे साथ में मौजूद हैं सुमित गोयल जी। बताना चाहूंगा कि किस वजह से हम यहां मौजूद हैं, ये सारी जानकारी हम लेंगे सुमित गोयल जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। नमस्कार। और सर एक बार हमें बता दीजिए कि क्या इवेंट आज है ये? आज काफ़ी सारे प्रत्याशी यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं और क्या होने जा रहा है 13 अगस्त को? ये यहाँ पर हम सब लोग जो है एक मॉनसून मिनी मैराथन अच्छा के लिए इकट्ठा हुए हैं जी। ये जो मिनी मैराथन है इसमें सभी एज के प्रतिभागी भाग लेंगे जी। अंडर 18 बॉयज गर्ल्स से लेकर के 60 उम्र से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है वो भी पार्ट ले रहे हैं इसमें जी। और इसमें इंडियन आर्मी की प्रोफेशनल टीम भी भाग ले रही है अच्छा, SSB की प्रोफेशनल टीम भाग ले रही है जी। और जो 60 से ऊपर का जो आयु वर्ग है तो उसमें कई जगह से हल्द्वानी, दिल्ली और जगह से, नैनीताल, अन्य जगहों से भी जो है एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, कितने बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा और कहाँ से लेकर कहाँ तक ये मिनी मैराथन होने जा रही है? ये प्रोग्राम हमारा संडे को होगा 13 अगस्त को जी, जिसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा सोमनाथ ग्राउंड से। अच्छा, इसका फ्लैग ऑफ करेंगे आईजी के SSB के आईजी अमित कुमार जी और हमारे रानीखेत के SDM श्री जयकिशन IAS जी, दो लोग वहां से फ्लैग ऑफ करेंगे जी। इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर जी, 7 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है जी, अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से जी जी जी। और सभी के लिए जो सारे रूट्स हैं उनका जो समापन है वो रानीखेत क्लब में होगा जी, और वहीं पर ही इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह भी किया जाएगा। अभी तक कितने पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं? हमारी एंट्री जो है वो 8 अगस्त को क्लोज हो गई थी जी, और हमारे पास 193 सभी 6 श्रेणियों में मिला करके 193 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार। और ऐसे ही और भी आगे हमें देखने के लिए मिलेंगे ऐसे ही इवेंट्स आप इन फ्यूचर भी RMOC की तरफ से होते रहेंगे ऐसे? देखिए रानीखेत माउंटेनियरिंग आउटडोर क्लब जो है RMOC जैसा आपने कहा जी, हम लोग हर महीने एक ऐसी आउटडोर एक्टिविटी कराते हैं जी। स्वतंत्रता दिवस 77th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम रखा है जी। और रमौक का मोटिव ही यही है जी कि हर उम्र के लोगों को घर से बाहर निकाल के आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जाए जी। तो जैसा आपने पूछा कि ये आगे भी होगा जी, इसका जवाब हाँ है जी। और ये सब एज ग्रुप्स के लिए, सभी स्कूलों के लिए हम इस कार्यक्रम को अलग अलग तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। तो टोटल अभी तक का 193 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और अगर आपने इस बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है या आपके विद्यालय से कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, कोई इसमें अगर छूट गया है, तो RMOC की तरफ से ऐसे ही इन फ्यूचर और भी इवेंट्स आने वाले हैं तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नीचे दिए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको पार्टिसिपेट इसमें करना हो तो। तो फिलहाल के लिए आप सभी से विदा लेने का समय हो चुका है। धन्यवाद और देखते रहिए रिपोर्ट्स इंडिया उत्तराखंड।